हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए, आज हम रिवाइज योर सेल्फ सेल्फ का पार्ट 3, इसमें सिर्फ हम जीके और जीएस के देखेंगे। चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमें आपके स्क्रीन के सामने है। पहला सवाल है, तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो इसमें बताना है हमको कि तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। यह किया था ऑप्शन बी न्यूलैंड ने। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अणु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अणु। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3 देखते हैं, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो किसी तत्व के गुण को कौन प्रदर्शित करता है? ये करता है ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 है, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है कौन करता है? ये करता है ऑप्शन सी, फ्लोरीन। ऑप्शन सी फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, तो हमें इसमें बताना है कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वा रेजिया। इसका राइट आंसर होगा एक्वा रेजिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 है, सिनेबार किसका अयस्क है, इसमें थोड़ा मिटक गया, इसको देख लीजिएगा, सिनेबार लिखा हुआ है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो है ऑप्शन ए, पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है, तो पटाखों के फटने के बाद दिखाई जो रंग देता है वो बना होता है एस्ट्रोसियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, 7 का, ऑप्शन डी। 8 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनसाइड विधि प्रयुक्त होती है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनसाइड विधि प्रयुक्त होती है, ये होता है ऑप्शन ए, चांदी के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी। 9 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा होता है, ये होता है NCl3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 है, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, ये कहते हैं ऑप्शन डी, संघनन बिंदु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी संघनन बिन सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परम आंद्रता। ऑप्शन डी परम आंद्रता। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 है, मानव निर्मित प्रथम रेशा था, तो मानव निर्मित द्वारा प्रथम रेशा कौन सा था, यह था ऑप्शन बी नायलॉन। ऑप्शन बी नायलॉन। 12 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, क्या देता है, ये देता है ऑप्शन डी वायु रेट। 13 नंबर सवाल है, रेडियो थेरेपी में उपयोग होने वाले नोबेल गैस है, तो रेडियो थेरेपी में कौन सा गैस उपयोग होता है, ये होता है ऑप्शन बी आर एन। 14 नंबर सवाल है, नभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो ये देखा गया था, सवाल का आंसर है, ये देखा गया था किसके द्वारा, ये देखा गया था एस्ट्रोसम द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15 है, 15 नंबर सवाल है, दस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, कौन नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी कांसा हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16 है, 16 नंबर सवाल है, निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है, यह है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। 17 नंबर सवाल देखते हैं, त्वरित चालक निर्मित होते हैं, तो त्वरित चालक में क्या निर्मित होता है, यह होता है ऑप्शन ए तांबा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18 है, 18 नंबर सवाल है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी किससे, जब वह गुजरेगी ऑप्शन सी कांच से गुजरेगी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19 है, रेडियम प्राप्त होता है, तो रेडियम किससे प्राप्त होता है, ये होता है ऑप्शन सी पीच ब्लड से। 20 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20 है, हेनरी किसका इकाई है, तो हेनरी किसका इकाई है, ये है ऑप्शन सी पेरिकॉट का। 21 नंबर सवाल है, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी 0.24 के बराबर होता है एक जूल कैलोरी। 22 नंबर सवाल है, पानी का अनुभार क्या है, तो पानी का अनुभार कितना होता है, पानी का अनुभार ये होता है 18 mU। 23 नंबर सवाल है, MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है, MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है, बल की इकाई क्या होता है, यह होता है न्यूटन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का, 24 नंबर सवाल देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ होता है, यह होता है ऑप्शन डी प्रोटीन से। 25 नंबर सवाल है, कांच एक प्रकार का क्या है, ये है अतिशीतित द्रव है। 26 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 26, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, यह होती है ऑप्शन ए सिलिकॉन की। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27 है,
चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की पदार्थ होती है? ये होते हैं ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड की। 28 नंबर सवाल है, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? ये होता है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि स्थित होता है सिर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी सिर में। 28 का ऑप्शन बी सिर में हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29 है, विटामिन ई की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? ये होता है ऑप्शन डी नपुंसकता होता है विटामिन डी की कमी से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30 है, 30 नंबर सवाल है, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? यह होता है 9.549 के बराबर होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। 31 नंबर सवाल देखते हैं, FIR में आई अक्षर का उद्घोतक है, FIR में आई अक्षर का घोतक क्या होगा? क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 32 है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी अप्सरा के नाम से। अगला सवाल देखते हैं, 33 नंबर सवाल है, श्यांता की इकाई क्या है? यह है पॉइजन, ऑप्शन ए पॉइजन। 34 नंबर सवाल है, इनमें कौन अचुम्बकीय पदार्थ है? इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन अचुम्बकीय पदार्थ है, तो यह है ऑप्शन डी पीतल जो है अचुम्बकीय पदार्थ है। 35 नंबर सवाल है, विकास का प्रारंभिक बल है, तो विकास का प्रारंभिक बल क्या है? यह है प्राकृतिक बोरन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36 है, इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? न्यूट्रिनो जो है परमाणु में कण नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह आधारित है ऑप्शन बी फैराडे के नियम पर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 38 है, आइंस्टीन समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी दर्शाता है, तो सी किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है ऑप्शन बी प्रकाश के वेग को, प्रकाश के वेग को। 39 नंबर सवाल है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? यह है ऑप्शन सी पाथ फाइंडर। 40 नंबर सवाल देखते हैं, 40 नंबर सवाल है, एक पाउंड में कितना आउंस होता है? एक पाउंड में कितना आउंस होता है? यह होता है ऑप्शन डी 16 आउंस होता है। 41 नंबर सवाल है, एक लीटर बराबर कितना गैलन होता है? एक लीटर बराबर कितना गैलन होता है? यह होता है ऑप्शन ए 0.2642 गैलन के बराबर होता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।